Okay, children, today we are going to do pro rata allotment of shares. First of all, you should know what do you mean by pro rata. Pro rata matlab sirf ek ratio hota hai, aur generally pro rata ka use tab hota hai jab hum over subscription wala question kar rahe hote hain. तो आज हम बेसिकली ये समझेंगे कि ओवर सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चन में प्रोराटा रेशियो हम कैसे यूज़ करते हैं. तो बेसिकली ओवर सब्सक्रिप्शन में हम शेयर्स को रेशियो बेसिस पर जब प्रोवाइड करते हैं शेयर होल्डर्स को, तो उसे बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट. एग्जांपल लो, एक ये अप्लाइड शेयर्स हैं और ये अलॉटेड शेयर्स हैं. सपोज शेयर होल्डर्स ने 65,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा, पर आप उनको सिर्फ 50,000 ही शेयर दे रहे हो. तो 65,000 को सपोज आपने 50,000 अलॉट करे. अब इन्हीं में से एक शेयर होल्डर था, अ शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल्स. इन्हीं में से एक शेयर होल्डर था जिसने अलॉटमेंट और कॉल्स पे नहीं करा. अब देखो, सबसे पहले हमारे को ये निकालना है कि ये जो शेयर होल्डर था, इसने ऑब्वियसली अलॉटमेंट और कॉल्स तो पे नहीं करा, लेकिन ये इन्हीं शेयर होल्डर्स में से एक शेयर होल्डर है जिनको 50,000 की अलॉटमेंट हुई है. तो क्या गारंटी है कि इसने 100 शेयर्स के लिए ही अप्लाई किया होगा? जरूरी है? नहीं. इसने ज्यादा के लिए भी तो अप्लाई किया हो सकता है. जिन्होंने 65,000 के लिए अप्लाई किया था, उनको कितने दे रहे हैं हम? 50,000. चलो इसको चेंज कर देते हैं. सपोज इसको 500 शेयर्स दिए थे, सपोज इसको 500 शेयर्स अलॉटेड हैं, तो हमें ये निकालना है इसके आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स. इसने अलॉटमेंट पे कितना पे करना था, कितना पे करा और कितना नहीं करा. उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक टेबल प्रिपेयर करेंगे. इतना आप कॉपी करो पहले. ये जो 500 शेयर्स थे, ये इसको दिए हैं हमने, और ये 500 शेयर्स किन में से है? इन्हीं 50,000 शेयर्स में से 500 शेयर्स भी हैं, जिसपे क्या पे नहीं हो रखा? अलॉटमेंट एंड कॉल्स. तो कैसे ट्रीट करेंगे आगे हम, ये मैं आपको बता रहा हूं. इतना कॉपी करो. देख लो, कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं एक काम करता हूं, ये 60 कर देता हूं ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. 60, 60,000 वालों को जिन्होंने अप्लाई किए थे, मैं कितने दे रहा हूं? 50. इन 50,000 में से ही एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर थे और उसने अलॉटमेंट और कॉल्स पे नहीं करा. अभी देखना क्या होगा. एप्लीकेशन 2 रुपीज की है, अलॉटमेंट 5 रुपीज की है, फर्स्ट कॉल 3 रुपीज की है. टोटल कितना हो गया? 10. समझ लेना ध्यान से, प्रोराटा में होता क्या है ये आपको समझना जरूरी है. एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन ही बना दिया मैंने इसको, इसको एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन की तरह ही मैं सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपको सारी एंट्रीज अच्छे से समझ में आ जाए प्रोराटा में होता क्या है. अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन इसका हैंडल कर पाओगे. सबसे पहले देखो, एक शेयर होल्डर था जिसके पास 500 शेयर्स थे, ही फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल. इसने पे नहीं करा. सबसे पहले आप देखोगे, अगर ये शेयर होल्डर इन्हीं शेयर्स टोटल शेयर्स में से बिलोंग करता है, 500 शेयर्स इन्हीं 50,000 का एक पार्ट है ना, 500 इन्हीं में से, इन्हीं 50,000 में से तो होंगे 500 शेयर्स भी. तो बेटा एक बात बताओ, अगर मैं इसका रेशियो निकाल लूं तो रेशियो क्या आएगा? 6:5. मतलब जिस बंदे ने 6 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसको आप अलॉट कितने कर रहे हो? 5 शेयर्स. समझ आया? जिसने 6 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, आप उसे अलॉट कितने कर रहे हो?
फाइव शेयर्स. तो जिस बंदे ने 500 शेयर्स, क्या है शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स, मतलब जिसने, जिसको आपने एक शेयर अलॉट करा है, उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? आई कैन से 6/5 शेयर्स. अगर मैं इनका रेशियो निकालूं, तो जिसने 6 के लिए अप्लाई किया था उसे अलॉट कितने करे मैंने? 5. सिंपली आपको इन्वर्स मेथड सिखाता हूं मैं. जिसने 6 के लिए अप्लाई किए थे उसको 5 अलॉट कर रहे हो. जिसको शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स, जिसको आपने 500 अलॉट किए उसको अप्लाई, वो अप्लाई कितने के लिए करेगा? 600 के लिए. कैसे? 500 × 6/5. तो 600 शेयर्स के लिए इसने क्या करा? अप्लाई. शेयर्स के लिए उस शेयर होल्डर ने अप्लाई किया, मैं उसे अलॉट कितने कर रहा हूं? 500 शेयर्स. कोई प्रॉब्लम? यहां तक क्लियर है? कैसे निकालते हैं अलॉटेड से अप्लाई, कैसे निकालेंगे 500 × 6/5? आई बात समझ? अच्छा, कई बार क्वेश्चन ऐसे भी गिवन हो सकता है, अप्लाइड कितने थे 6, अलॉटेड कितने हैं 5. ऐसे भी हो सकता था, अ शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 600 शेयर्स, हु अप्लाइड फॉर 600. इधर देखो, तो उसने 600 के लिए अप्लाई किया होता तो अलॉटेड निकल जाते. कैसे? 600 × 5/6, 500. ये क्या निकल जाते? अलॉटेड. तो ये अलॉटेड से अप्लाइड निकाल के दिखा दिए मैंने, और ये अप्लाइड से अलॉटेड. तो कोई सा भी केस आ सकता है. अभी कौन सा केस है? ये वाला. ये मैंने अपने आप हाइपोथेटिकल केस बनाया है कि अगर अप्लाइड गिवन हो तो भी अलॉटेड निकल सकते हैं, और इस क्वेश्चन में अलॉटेड गिवन थे तो मैंने क्या निकाले? अप्लाइड. तो मैं ये मान के चल रहा हूं जिस शेयर होल्डर को 500 शेयर्स दिए थे उसने अप्लाई कितने के लिए करा था? 600 शेयर्स के लिए किया था. 600 शेयर्स के लिए किया था. तो तुम्हें नहीं लगता कि उसने 600 के हिसाब से एप्लीकेशन मनी सेंड किया होगा? उसने 600 के हिसाब से पैसा भेजा होगा एप्लीकेशन का. कितना है एप्लीकेशन मनी? 2. तो मैं यहां पर लिख रहा हूं एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितना है? 600 × 2 क्या आ गया बेटा? 1200. यहां छोटा सा बना लेते हैं, वाई टू वेस्ट द स्पेस. यहां बनाते हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 600 × 2. कितना भेजा होगा उसने? उसने अप्लाई कितने के लिए करा था? 600 के. तो उसने 1200 रुपीज भेजे होंगे. हम उसे कितना पैसा, हम उसके कितने शेयर्स दे रहे हैं? 500. तो एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड कितना है? 500 × 2 कितना दे रहे हैं बेटा? 1000 रुपए लेने चाहिए ना. उसने कितना एक्स्ट्रा भेज दिया मुझे? 200 एक्स्ट्रा अमाउंट भेज दिया उसने मुझे. कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम? मैं उसको बोलता हूं कि भाई ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट तूने मुझे भेजा है, इतना पैसा तू मुझे अलॉटमेंट पे मत देना. मैं ये 200 रुपए लौटाने चाहिए ना उसके. मैं उसको बोलता हूं मैं तेरे ये 200 रुपए लौटा नहीं रहा. क्या इस शेयर होल्डर में जिसके पास 500 शेयर्स हैं, क्या मुझे एप्लीकेशन के बाद और भी तो पैसा देना है ना आगे? तो मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना है इसका? मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ये जो शेयर होल्डर है ये मुझे आगे अलॉटमेंट में भी तो पैसा देगा. कितना देगा? 500 × 5 कितना? 2500. पर ये तो मुझे एडवांस दे चुका है कुछ पैसा, 200. तो मैं इसको बोलूंगा कि भाई तेरे 200 रुपए मेरे पास पड़े हुए हैं, तूने आगे जाके मुझे कितने पैसे देने हैं? 2500. और 200 रुपए एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं तो ये 2500 में से माफ हो गए, सरप्लस एडजस्ट कर दिया आपने. तो अलॉटमेंट पे कितने पैसे देने हैं? अलॉटमेंट पे ये बंदा मुझे कितने पैसे देगा?
2300, समझ आया यहाँ तक? क्या उसने ये पैसा मुझे दिया? यहाँ क्या लिखा है, क्रॉस लगाया ना मैंने, मतलब ही हैज नॉट पेड दिस अमाउंट. तो ये तो क्या हो गया, अनपेड हो गया ना. तो प्रोराटा यूजफुल क्यों है, प्रोराटा का क्या यूज़ है, क्या है प्रोराटा यहाँ पर, ये कुछ समझ नहीं आया होगा. लेकिन समझो, मैं प्रोराटा सिर्फ एक रेशियो है, मैंने इस रेशियो की हेल्प से, प्रोराटा इज़ नथिंग बट अ रेशियो, मैंने इस रेशियो की हेल्प से निकाले कि कितने शेयर्स के लिए उसने अप्लाई किया था, कितना पैसा भिजवाया, कितना मुझे चाहिए था, कितना मेरे पास सरप्लस आ गया. मैंने उसको बोला कि भाई तूने मुझे 2500 रुपये और देने हैं आगे, आप मेरे को 200 रुपये कम दे देना क्योंकि आपने एक्स्ट्रा दे रखे हैं. क्या उसने 2300 रुपीज़ दिए मुझे? नहीं. मुझे एक बात बताओ बेटा, जब आप एंट्री करोगे बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, तो आप ये 2300 रुपीज माइनस करोगे या 2500 माइनस करोगे? 2300. तो ऐसा कुछ किया हमने अभी तक जिसमें पहले उसने एडवांस पैसा दे दिया क्योंकि उसने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसका पैसा हमने एडजस्ट करा आगे अलॉटमेंट पे, और जो अमाउंट उससे हमने लेना था वो निकाला, वो कितना था? 2300. और उसने वो अमाउंट पे नहीं करा. तो ये 2300 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू. ये कहां पर जाएगी? एक तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट वाली एंट्री में 2300 माइनस हो जाएगा, ट्रीटमेंट नंबर वन. इसी की ट्रीटमेंट नंबर वन, एक तो ये बैंक टू शेयर अलॉटमेंट वाली एंट्री में माइनस हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये 2300 रुपये मिले क्या? नहीं मिले ना. इसलिए बैंक टू शेयर अलॉटमेंट में क्या होता है, अलॉटमेंट मनी पे जितना पैसा मिल रहा है उसमें से कितना कम मिलेगा? 2300. और बच्चे क्या गलती करते हैं, क्या लिख देते हैं? 2500. तो जिसको प्रोराटा आता है वो पहले प्रोराटा रेशियो निकालेगा, वो देखेगा कितना पैसा आया, कितना चाहिए था, टोटल पैसा जो सरप्लस आया उसको एडजस्ट करेगा अलॉटमेंट में, और जो पैसा बचा होगा उसको देखेगा वो पेड है या अनपेड है. वो क्या देखेगा, पेड है या अनपेड है. तो ये पैसा क्या है, अनपेड. तो 2300 क्या हो जाएगा बैंक टू शेयर अलॉटमेंट में से माइनस. तो फर्स्ट ट्रीटमेंट हो गई इसकी, यही लिखते हैं ना, फर्स्ट ट्रीटमेंट हो गई बैंक टू शेयर अलॉटमेंट में से 2300 रुपीज माइनस. सेकेंड ट्रीटमेंट क्या होगी बेटा, अगर ये शेयर्स आगे जाके फोरफीट हो गए, अगर ये शेयर्स आगे जाके फोरफीट हो गए तो एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट. तो ये जो 2300 है ये क्या है, अनपेड. तो टू शेयर अलॉटमेंट में 2300 आ जाएगा क्योंकि ये अनपेड अमाउंट है. और बच्चे यहां पर भी क्या करते हैं, याद है फोरफीचर में क्या होता था, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अनपेड कॉल्स टू फोरफीचर. तो अनपेड कॉल्स में क्या आता था, जो पैसा नहीं दिया. तो कौन सा पैसा नहीं दिया बच्चे, दो मिनट में यहां पर एंट्री करते हैं क्या, 500 × 5 और क्या लिख देते हैं, 2500. बिल्कुल गलत हो जाएगा. क्या लिखना है यहां पर, अनपेड अमाउंट आपने टेबल बना के निकाला है ना, अनपेड अमाउंट 2500 है या 2300 है. तो 2300 एक तो बैंक वाली एंट्री में से माइनस हो जाएगा और एक फोरफीचर के टाइम यहां पर अमाउंट आएगा डायरेक्ट. क्लियर? जब हम फोरफीट करेंगे इन शेयर्स को, मैं अभी ऐड कर दूंगा लैंग्वेज में क्वेश्चन को, अभी तो मैं बेस सिखा रहा हूं. मैं बोल रहा हूं अगर फोरफीट हो जाए ये शेयर्स तो आगे जाके अलॉटमेंट में 2300 रुपीज आ जाएंगे. यहां तक क्लियर है? पक्का? ये दो ट्रीटमेंट होगी. ये माइनस क्यों होगा, क्योंकि इतने पैसे कम मिल रहे हैं. ये शेयर अलॉटमेंट में डायरेक्ट अमाउंट क्यों आएगा, बिकॉज ये क्या है, अनपेड अमाउंट. क्या है ये, अनपेड अमाउंट. तो अनपेड अमाउंट में डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है. कोई प्रॉब्लम? पक्का? कॉपी करो इसको, फिर मैं आगे बता रहा हूं.
एक तो ये मैंने एक शेयर होल्डर की ट्रीटमेंट बता दी आपको कैसे कैसे होगी, जिसका एक्स्ट्रा अमाउंट 200 था वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ। अलॉटमेंट पे अब 2500 की जगह हम उसे बोलेंगे आप 2300 पे कर दो, पर उसने ये पे नहीं करे तो कितना अमाउंट उसने पे नहीं करा, 2300 ना कि 2500। सो ही हैज नॉट पे 2300 बिकॉज द अमाउंट वॉज ड्यू 2300 ओनली। आई हैव सब्ट्रैक्टेड इट फ्रॉम बैंक टू शेयर अलॉटमेंट एंड आई हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड इट अंडर अनपेड कॉल, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, अनपेड अमाउंट कितना था 2300, तो यहाँ 2500 नहीं लिखना। एक बात समझ में आई? तो समझ आया कि अगर मैं ये रेशियो ना निकालता और इसको ऐसे करता ही नहीं तो कोई भी बच्चा ऑटोमेटिकली क्या करेगा, 500 शेयर्स इनटू अलॉटमेंट मनी 2500 माइनस कर देगा यहाँ से, अगर ये टेबल ना बनाए कोई तो। तो इस टेबल का यूज़ है या नहीं है? है, बिकॉज अगर आप बिना टेबल के डायरेक्ट वैल्यू माइनस करोगे तो हर बच्चा 2500 ही माइनस करके आएगा एग्जाम में। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक प्रोराटा टेबल, आई कॉल दिस एज प्रोराटा कैलकुलेशन और प्रोराटा टेबल, विच टेल्स यू हाउ टू फाइंड दिस वैल्यू जो उसने पे नहीं करी। क्लियर? अब आ जाओ नॉर्मल क्वेश्चन पे, ओवर सब्सक्रिप्शन, एक छोटी सी रिविजन हो जाएगी। 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, अब हम टोटल पिक्चर की बात कर रहे हैं। अभी तो हमने एक शेयर होल्डर की बात करी है ना, एक टोटल पिक्चर की बात कर रहे हैं। 60,000 शेयर्स थे, 60,000 शेयर्स के हिसाब से कितना पैसा आया हमारे पास, मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, यहां बना दूं, मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन 60,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी कितना आया होगा, 2। तो 60,000 × 2 120,000 माइनस मनी रिक्वायर्ड, हमने कितने शेयर्स अलॉट करे हैं, 50,000। तो 50,000 × 2 कितना हो गया बेटा, 1,00,000। तो 20,000 क्या हो गया, सरप्लस। 20,000 क्या हो गया, सरप्लस। आप देखो बिल्कुल इसी की तरह तो बनाया, वो भी इसी की तरह तो वो बना है, वो किसके लिए, टोटल शेयर्स के लिए, और ये किसके लिए था, एक शेयर होल्डर के लिए। तो क्या दोनों में कोई फर्क है, दोनों में सेम तरीके की कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, यहां पर एक शेयर 600 × 2 किया था, यहां पर 60,000 × 2 करा है, वहां पर 500 × 2 किया था, यहां पर 50,000 × 2 करा है, वहां पर सरप्लस 200 रुपये आया था, यहां पर कितना है, 20,000। समझ आई बात? तो ये टोटल शेयर्स के लिए करते हैं हम ओवर सब्सक्रिप्शन, और ये एक पर्टिकुलर या दो पर्टिकुलर या तीन पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स के लिए, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए। क्लियर? यहां तक क्लियर है? अब देखो ये जो सरप्लस अमाउंट है, क्वेश्चन में लैंग्वेज गिवन होगी एक्सेस अमाउंट टू बी कैरीड फॉरवर्ड टू अलॉटमेंट, एक्सेस अमाउंट टू बी कैरीड फॉरवर्ड टू अलॉटमेंट। एक्सेस अमाउंट कितना है बेटा, 20,000 टू बी कैरीड फॉरवर्ड टू अलॉटमेंट। तो ये जो 20,000 है इसको आपको कहां एडजस्ट करना है, अलॉटमेंट में। तो आप देखो अलॉटमेंट मनी कितना रिसीव करना था आपने, 50,000 × 5 250,000 2,50,000 अलॉटमेंट पे ड्यू है, कितने एक्स्ट्रा दे रखे हैं उसने, 20,000। अब आ रहा है समझ में, एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ था 1,20,000, मैंने 50,000 शेयर्स दिए हैं,
अलॉट करे हैं, तो 1,00,000 रुपए लूंगा मैं, 20,000 उसने एक्स्ट्रा दे रखे हैं मुझे। मैंने उससे बोला कि भाई तुमने मुझे अलॉटमेंट पे भी तो 5 रुपीज देने हैं, तो आपने मुझे कितने पैसे देने हैं, 2,50,000, और आप कितना एक्स्ट्रा दे चुके हो, 20,000। तो मैंने उसको बोला 20,000 आप मत देना, एडजस्ट कर दिए मैंने। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, एक अलॉटमेंट का कॉलम बना लूंगा, और अलॉटमेंट में मैंने कितने रुपए एडजस्ट कर दिए, 20,000 मैंने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। आया नहीं आया, पक्का? ओवर सब्सक्रिप्शन में सिर्फ इतना था कि सपोज ये सरप्लस अमाउंट, सपोज ये 2,80,000 होता सरप्लस, तो 2,50,000 पूरे एडजस्ट हो जाते, और फिर कितने बचते, 30,000। वो 30,000 हम रिफंड कर देते, वो 30,000 हम रिफंड कर देते, अगर क्वेश्चन और कुछ नहीं कह रहा होता। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, आई विल रिफंड द एक्स्ट्रा सरप्लस। यहां पर, यहां तो सरप्लस ऑलरेडी कम है, कितना है, 20,000। अगर ये 2,80,000 रुपए होते तो 2,80,000 में से यहां पर कितने एडजस्ट हो जाते, 2,50,000। सरप्लस कितना बच जाता, 30। उस 30,000 को क्या कर देते हम, रिफंड, और यहां पर क्या कॉलम खुल जाता, बैंक। लेकिन अभी ऐसा केस है क्या? नहीं, अभी तो थोड़े से पैसे थे मेरे पास, 20,000, और मुझे ज्यादा पैसे लेने थे, कितने, 2,50,000। तो मैंने उसको बोला भाई 20,000 रुपए कम दे देना उस टाइम पे, क्लियर है? तो मैंने एक टोटल सिनारियो बताया आपको, ये टेबल बना के, और ये एक एक शेयर होल्डर का सिनारियो बताया, दोनों पैरेलल चलेंगे, दोनों बनेंगे। यहां तक क्लियर है, पक्का? इस कैलकुलेशन सबको करने के बाद एक लाइन लिखो, दीज शेयर्स वर फोरफीटेड। इसके बाद लिखना है, सब कुछ करने के बाद, दीज शेयर्स वर फोरफीटेड एंड देन रीइश्यूड एट 9 per share, फुल्ली पेड अप। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ये 500 के 500 शेयर्स फोरफीट हो गए एंड दोबारा रीइश्यू हो गए। तो अगर आप ये पूरा क्वेश्चन कर लेते हो तो प्रोराटा क्लियर हो जाएगा। मैंने जितनी भी कैलकुलेशन करनी थी वो यहां पर कर दी है, अब मैंने सिर्फ जर्नल एंट्रियां पास करनी है, मैंने सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो ये आपने कॉपी कर लिया, ये वाला पार्ट में बिठा दूं, कर लो आराम से कॉपी कर लो, फिर मैं मिटा रहा हूं इसको। ओके, ये पोर्शन मैं रब कर रहा हूं और अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज पास करने लगे हैं। ये पोर्शन रब कर रहा हूं मैं एंड आई एम पासिंग द जर्नल एंट्रीज नाउ। जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं, सबसे पहले बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, प्लीज पे अटेंशन। यहां पर कितने शेयर्स हैं, 60,000, तो एप्लीकेशन मनी कितना आया होगा, 60,000 × 2, 1,20,000। तो 60,000 × 2, दैट इज 1,20,000। इतना पैसा टोटल आया, फिर एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, टू शेयर कैपिटल,
टू शेयर अलॉटमेंट, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड आ गया आपका 60,000 × 2 120,000। टोटल पैसा जो एप्लीकेशन पे ड्यू था कितना था? 120,000। हमने कितने शेयर अलॉट करे हैं? हमने कितने शेयर अलॉट करे हैं? 50,000। तो 50,000 इंटू एप्लीकेशन मनी कितना आ गया? 1 लाख। टू शेयर कैपिटल 50,000 × 2 कितना आ गया बेटा? 1 लाख। ये हमने शेयर्स अलॉट कर रहे हैं तो कितना पैसा हम डिजर्व करते हैं? 1 लाख रुपीस। हमने रिसीव कितना करा है? 1 लाख 20। तो सरप्लस कितना पैसा रह गया? 20,000। ये देखो हमने कहाँ एडजस्ट किया था? 20,000 अलॉटमेंट पे। समझ आया? 60,000। सिंपल सी बात है, देखो 60,000 पे कितना पैसा मिला? 1 लाख 20। हम 50,000 दे रहे हैं तो हम कितना डिजर्व करते हैं? 50,000 × 2 1 लाख। 1 लाख 20 − 1 लाख कितने बचे? 20,000। हमने उसे क्या बोला कि भाई ये 20,000 रुपये अलॉटमेंट के टाइम पर कम पे कर देना। हमने एडजस्ट कर दिया। कितना सिंपल है, 20,000 रुपीज़ थे, मैंने वहाँ पर वर्क नोट बनाया था, 20,000 एडजस्ट हो गए, वो 20,000 यहाँ पर आ गए। तो टू शेयर अलॉटमेंट पे मैंने एडजस्ट किए थे ना, है ना? ये कौन से पैसे हैं जो मैंने अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट करे थे। तो क्या ये पैसे मैं रिसीव करूँगा? क्या ये 20,000 मैं अलॉटमेंट के टाइम पे रिसीव करूँगा? नहीं, एडवांस है ये पहले मिल गए हैं मुझे। तो क्या जब अलॉटमेंट की बारी आएगी तो ये पैसे लूंगा मैं दोबारा? नहीं, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे आए थे। ऑन ये 20,000 किस पे एक्स्ट्रा पैसे हैं? एप्लीकेशन पे या अलॉटमेंट पे? एप्लीकेशन। मैंने खुद उसको क्या ऑप्शन दिया कि भाई ये एप्लीकेशन का एक्सेस पैसा मैं आपको लौटा नहीं रहा हूँ वापस, आप इतने ही पैसे मुझे अलॉटमेंट पे कम पे कर देना। उसको बोलते हैं एडजस्टेड अकाउंटिंग में। क्या बोलते हैं? एडजस्टेड। समझ आ गया पक्का? कोई डाउट तो नहीं है? अब सुनो, ये 20,000 रुपये एडजस्ट कर दिए हमने, तो पहली दो एंट्रीज हो गई आपकी एप्लीकेशन की। अब देखो अलॉटमेंट की एंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 2 शेयर कैपिटल अकाउंट कितना अमाउंट है बेटा? 50,000 शेयर्स थे, अलॉटमेंट अमाउंट कितना है? 5। कितना आ गया बेटा? 2,50,000। हमारा अमाउंट आ गया। कोई प्रॉब्लम बच्चों? क्या करें अब? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 2,50,000, देन बैंक अकाउंट डेबिटेड 2 शेयर अलॉटमेंट। अब इसको समझ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो इस एंट्री को। यहां पर बच्चे एरर करते हैं बहुत। कितना पैसा मिलना था अलॉटमेंट पे? 2,50,000। इसमें से 20,000 पहले नहीं मिल चुका मुझे? 20,000 मुझे पहले मिल चुका है, तो क्या हो जाएगा? 2,50,000 − 20,000 तो क्या हो जाएगा? 2,30,000। 2,30,000 रुपीज मेरे को मिलने चाहिए, और कुछ माइनस होगा? ये एडजस्टेड है भाई। जो मैं पहले मुझे मिल चुका है वो मैंने क्या कर दिया? माइनस। और क्या माइनस होगा? और माइनस होगा जो मुझे नहीं मिला। क्या नहीं मिला मुझे? 2,300। याद है पहले ही लिखवा दिया था मैंने। यहां पर बच्चे करते हैं गलती क्या कि सर कौन सा पैसा नहीं मिल रहा? 500 शेयर्स हैं, 500 × 5, क्योंकि ये टेबल बनाया होता है तब तक दिमाग घूम चुका होता है, राइट? तो 500 × 5 2,500 माइनस कर देते हैं। माइनस करना कितना है? 2,300। समझ आया या नहीं बताओ? तो 2,50,000
-20,000 जो आपने क्या करा एडजस्ट, -2300 ये क्या है अनपेड। आया समझ नहीं आया? तो 2,50,000 -20,000 दैट इज 2,30,000, 2,30,000 -2300 2,27,700। आया समझ या नहीं? आया समझ? एडजस्टेड भी माइनस करोगे और अनपेड भी, और अनपेड में गलती क्या होती है 500 × 5, 2,500 कर देते हैं बच्चे, कितना आएगा बेटा ये 2,27,700। कोई प्रॉब्लम बताओ? पक्का? फिफ्थ एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स हैं 50,000। अप्लाइड से मत कर देना, कई बच्चे क्या करते हैं सारी एंट्रियां अप्लाइड से कर देते हैं, ये भी एक गलती है। किससे करनी होती है सारी एंट्रीज? अलॉटेड, जो आपने शेयर्स दिए ही नहीं उसके लिए अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी मांगोगे क्या किसी से? नहीं। तो शेयर फर्स्ट कॉल 50,000 इंटू फर्स्ट कॉल मनी, तो 50,000 इंटू 3 1,50,000, देन बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, नहीं उसके बाद होंगे, उसने पे नहीं करे तो आपने वेट करी थी ना, उसने पे नहीं करे ना ये पैसे, मतलब हमने पूरा फर्स्ट कॉल तक वेट करा है तो उसने पे नहीं करा तो टोटल कॉल्ड अप कितना हो गया 10 rupees। आई हैव वेटेड टिल द फर्स्ट कॉल एंड ही हैज नॉट पेड, द क्वेश्चन टेल्स यू ही फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी एंड शेयर वर फॉरफिटेड। क्वेश्चन में लैंग्वेज क्लियर होगी कि उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे नहीं करा है, मैंशनड होगा, अपने आप नहीं बोल रहा मैं, ठीक है। तो बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल में क्या होगा, उसने फर्स्ट कॉल मनी भी पे नहीं करा है, क्या करूं बताओ? 1,50,000 माइनस कितने शेयर से 500 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा 1,48,500। बच्चे यहां पर पता है क्या कर देते हैं कई बार गलती, 500 इंटू 3 की जगह कर देते हैं 600 इंटू 3। नहीं सर ये तो 500 गिवन है, बताऊं गलती कब होगी? अगर मैं यहां लिख दूं अ शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स की जगह, अ शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 600 शेयर्स, अगर ये लिख दूं हु अप्लाइड फॉर 600 शेयर्स, तो उस केस में पहले क्या निकालना पड़ेगा अलॉटेड शेयर्स, बताया था ना अभी मैंने। तो फोर, तो जब अलॉटेड शेयर्स आपने निकाल लिए तो ये जो फर्स्ट कॉल मनी है या अलॉटमेंट मनी है मल्टीप्लाई किससे होगा अलॉट शेयर्स से, ये हमेशा जो मनी था 3 rupees फर्स्ट कॉल का ये मल्टीप्लाई किससे होगा अलॉटेड शेयर्स से। अलॉटेड शेयर्स कितने हैं 500, आई बात समझ? तो ये आपने माइनस कर दिए 1,48,500। कोई प्रॉब्लम? पक्का करो, फोर फीचर की एंट्रीज पास करो जल्दी से, इसको कॉपी करो और फोर फीचर की एंट्रीज पास करो। ओके क्या हुई एंट्री? सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड फोर फीचर की, टू शेयर फोर फीटेड, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितने शेयर्स थे 500 इंटू 10 5,000, टू शेयर अलॉटमेंट क्या लिखूंगा 2,300, यहां 2,500 मत लिख देना भाई, ये बच्चे करते थे 500 इंटू 5 ये गलत हो जाएगा 2,300, बताया था मैंने, हो सकता है तुम लोगों ने बताने के बाद भी 2,500 लिख दिया हो,
कुछ होंगे ऐसे, हो सकता है ये गलती हो जाती है, तो ये गलती कभी नहीं करनी है, याद रखो। 2300 आएगी यहाँ पर टू शेयर फर्स्ट कॉल, 500 into 3 1500। इसीलिए मैंने आप लोगों को इसको करने के लिए कहा था कि ये गलती अगर हो तो फिर दोबारा नहीं करनी है। 1500 आ गया, टू शेयर फोरफीटेड, बैलेंस कर दो। 5000 माइनस 3800 कितना आ जाएगा? 1200। इसके बाद आपने रीइशू की एंट्री करनी है, बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिटेड, टू शेयर कैपिटल कितने हैं? 500 into 9 4500। फुल्ली पेड अप 500 into 10 5000 और यहां पर बैलेंस आ गया 500। आसान है। फाइनली दिस वॉज ए, दिस इज बी, शेयर फोरफीटेड टू कैपिटल रिजर्व 1200 माइनस 500 700, शेयर फोरफीटेड टू कैपिटल रिजर्व। एनी प्रॉब्लम्स? पार्शियल रीइशू, मैं उसको बताता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? आज मैंने एक्चुअली कॉन्सेंट्रेट करा सिर्फ प्रोराटा पे। प्रोराटा क्लियर है जो मैंने कराया है? एवरीवन इज इट क्लियर?